Don't get influenced by what we see on YouTube or Instagram. Things doesn't work that way, so. जब आपके उस पूरा वक्त है, उसके बाद जब आप decisions ले रहे हो, क्या वो सही जा रहे हैं? क्या वो आप सही कर रहे हो? अगर वो ही सही नहीं कर रहे हो, तो during market तो आपके सांस लेने का time नहीं है. आप कैसे उस चीज को सही करोगे? Market उसको क्या चल रहा है? आप profit में चल रहे हो, loss में चल रहे हो, market ऊपर है, market नीचे है, YouTube पे क्या रहा है, TV पे क्या रहा है, news में क्या रहा है, ये सारी चीज आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस करेगी. सुकून से पैसा सिर्फ तभी ही बनेगा जब आप ये डे ट्रेडिंग वगैरह ना करो एंड आप हायर टाइम फ्रेम यूज करो. Everyone, welcome back. Today we're going to talk about something very important. पिछले एक साल में बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलना हुआ, बहुत सारे नए ट्रेडर्स से मिलना हुआ, and every time I was interacting with this new traders, एक चीज जो मुझे बार-बार concern करती थी, that every new trader wants to start their journey and उसकी journey की शुरुआत करती है, जैसे I'm sure आपने भी जब सोचा कि यार stock market सीखते हैं. I'm sure आपने पहले कुछ सीखा नहीं होगा, आपने पहले तो YouTube पे डाला रहेगा ना कि लर्न स्टॉक मार्केट, है ना. उसके बाद आपके पास पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, आप उसमें से वीडियोस देखना शुरू करते हो एंड आई एम श्योर यू वुड हैव कम अक्रॉस दिस वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड कॉल्ड एज इंट्राडे ट्रेडिंग, जहां पे आपको सिखाया जाता है कि कैसे लोअर टाइम फ्रेम को देख के ट्रेडिंग की जा सकती है. राइट, 1 मिनट का ग्राफ हो, 5 मिनट का ग्राफ, 10 मिनट की ग्राफ, 15 मिनट की ग्राफ पर देख कर किस तरीके से उसको ट्रेड किया जाता है. मैंने इंट्राडे क्यों नहीं करना चाहिए इस पे एक पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है. आपको हमारे YouTube चैनल पे सबसे पहला वीडियो ये दिखाई देगा कि व्हाई यू शुड नॉट डू इंट्राडे ट्रेडिंग. बट अगर वो नहीं करना है तो आपको क्या करना चाहिए, इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. जब हम टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं, ग्राफ्स की बात करते हैं, राइट, लेट्स से अगर आप एक साल का कैंडल देखना चाहते हो तो आपको कितना कैंडल्स देखना होगा? 12 कैंडल्स. एनालाइज करना एक साल को आसान होगा, राइट? बट इफ आई से वीकली कैंडल, तो एक साल की अगर वीकली कैंडल्स आप देखोगे तो यू हैव रफली 52 कैंडल्स, राइट? उसको एनालाइज करना अगेन थोड़ा इजी होगा. सो अगर मैं डेली की बात करूं तो एक साल में 250 कैंडल्स होंगी. आपको 250 कैंडल्स को ग्राफ देखना, यू हैव टू डू योर एनालिसिस, राइट? यहां तक तो यार मैनेजेबल है, पर आप जानते हो जब आप डेली से लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, एक बहुत छोटी सी चीज याद रखना कि अगर आप मंथली ग्राफ देख रहे हो तो आपके लिए आपकी एनालिसिस एवरी मंथ चेंज होगी या मंथली लेवल्स पर चेंज होगी, वीकली पे वीकली लेवल्स पर चेंज होगा. डेली ग्राफ जब आप देखोगे तो डेली ग्राफ की लेवल्स पर चेंज होगा. और जब आप 15 मिनट देख रहे हो या 5 मिनट देख रहे हो, या एक दिन में 75 कैंडल्स बन रहे हैं, हर 5 मिनट में कैंडल बन रहे हैं, व्यूज बन रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, हर चीज चेंज हो रही है, इट्स सुपर फास्ट. एंड एज अ न्यू ट्रेडर अब डायरेक्टली वो लोअर टाइम फ्रेम से शुरू कर रहे हो जहां पे हर ट्रेंड ये वो सारी चीज बहुत फास्ट बदल रही है. डू नॉट एवर डू दैट. एक सिंपल सी चीज याद रखना कि आप अगर कभी भी हायर टाइम फ्रेम यूज कर लो, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, तो जितना टाइम फ्रेम तुम्हारा बड़ा होगा उतने तुम्हारे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे. जितना आपका टाइम फ्रेम कम होगा, यू नो 60 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, उतने आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा होंगे. नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ डिसीजन ज्यादा होंगे. नंबर ऑफ डिसीजन ज्यादा होंगे तो आपकी गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होंगे. सबसे वर्स्ट चीज जो मैं हमेशा मना करती हूँ, आप लोअर टाइम फ्रेम में जब जाओगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होंगे, चलो ठीक है, नंबर ऑफ डिसीजन ज्यादा लेने पड़ेंगे, चलो वो भी ठीक है, बट आपको डिसीजन लेने के लिए वक्त भी नहीं मिलेगा, आपको डिसीजन फास्ट लेने होंगे. मान लीजिए आप 5 मिनट्स के ग्राफ पर ट्रेड कर रहे हो, मैं डेली ग्राफ पर ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे अगर मार्केट्स को देखना है तो मैं डेली पे रोज देखूंगी, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूंगी, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार. बट क्योंकि आप 5 मिनट्स के ग्राफ पे ट्रेड कर रहे हो या 15 मिनट्स के ग्राफ पे ट्रेड कर रहे हो, आपको हर 5 मिनट में मार्केट्स को देखना है, यानी 9:15 से 3:30 तक 75 टाइम्स आपको मार्केट्स को देखना है कि अच्छा क्या फॉर्म हो रहा है, बाय करना है, सेल करना है, ये करना है, ये करना है, बाय करूं, सेल करूं, होल्ड करूं, क्या करूं, एवरी 5 मिनट्स मैं एंड ऑफ द डे एनालाइज करूं. आप दिन के हर 5 मिनट को, व्हिच इज मोस्ट स्ट्रेसफुल,
चेकिंग मार्केट्स एवरी 5 मिनट्स एंड डिसाइडिंग मैं बाय करूं, सेल करूं, होल्ड करूं और बाय करूं, एंट्री लूं नहीं लूं, टारगेट डालूं नहीं डालूं, स्टॉप लॉस रखूं नहीं रखूं, एवरी 5 मिनट्स यू हैव टू टेक दैट डिसीजन. आर यू हैविंग लर्न दैट आर्ट ऑफ टेकिंग अप दैट डिसीजन एंड डिसाइडिंग दैट डिसीजन सो फास्ट? कहते हैं जब वक्त कम हो और ये सारे डिसीजंस वो 5 मिनट में लेने होंगे तब हाईर चांसेस की आप गलती करो. पर अगर मैं डेली टाइम्स में ट्रेड कर रही हूँ, यानी मैं मार्केट बंद होने के बाद डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे कल क्या करना है, मेरे डिसीजन सही होने की प्रोबेबिलिटी हाई है ना आपके डिसीजन से. मेरे पास आपसे ज्यादा वक्त है सोचने का, समझने का. दूसरी चीज, आप जब एनालिसिस करते हो लोअर टाइम फ्रेम पर तब मार्केट्स तो ऑन है, तब मार्केट्स जब ऑन है तब एवरी 5 मिनट जब आप डिसीजंस लेते जा रहे हो तो मार्केट उसमें क्या चल रहा है, आप प्रॉफिट में चल रहे हो, लॉस में चल रहे हो, मार्केट ऊपर है, मार्केट नीचे है, यूट्यूब पे क्या रहा है, टीवी पे क्या रहा है, न्यूज़ पे क्या रहा है, ये आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस करेगी. बट जब आप एंड ऑफ द डे करते हो, जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं करती हूँ, लेट्स से, तो मार्केट बंद हो गया, मेरे पोजीशन का कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, मार्केट से कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, एंड आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, आई डोंट हैव टू टेक एनी डिसीजन इन 5 मिनट्स. तो एज ए न्यू ट्रेडर आपसे, मुझे नहीं पता आपको एक चीज कौन कहेगा और कौन समझाएगा, बट आई जस्ट वांट टू टेक दिस मोमेंट एंड आई वांट टू टॉक टू ऑल द न्यू ट्रेडर्स हु हैज गॉट इनटू दिस मार्केट. यार मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम मत करो, 15 मिनट का मत करो, आप मैं यही कह रही हूँ मत करो, और फिर भी करना चाहते हो करो, लेकिन शुरू उससे मत करो. क्या आप पहले मंथली वीकली डेली से ट्रेड करने को कंफर्टेबल हो? उधर के डिसीजन सही हो रहे हैं तुम्हारे? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मार्केट बंद हो गया आपके पास पूरी शाम में डिसाइड करने के लिए, आप सारे डिसीजंस लो फिल ट्रेड करो, जो आपके पास पूरा वक्त है, इसके बाद जब आप डिसीजंस ले रहे हो क्या वो सही जा रहे हैं, क्या वो आप सही कर रहे हो? अगर वो ही सही नहीं कर रहे हो, जब आपके पास पूरा वक्त है और आप उस चीज को सही नहीं कर पा रहे हो, तो ड्यूरिंग मार्केट तो आपके सांस लेने का टाइम नहीं है, आप कैसे उस चीज को सही करो? डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट यू सी ऑन YouTube और Instagram, थिंग्स डजंट वर्क दैट वे. मार्केट में आप पैसे बनाने हो ना, और वो पैसा सुकून से बनना चाहिए, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सुकून से पैसा सिर्फ तभी ही बनेगा जब आप ये डे ट्रेडिंग वगैरह ना करो एंड आप हाईर टाइम फ्रेम यूज करना शुरू करो. तो एक बहुत सिंपल सी चीज मेरी समझना सर, जब आप हाईर टाइम फ्रेम ट्रेड करोगे तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे, सोचने का वक्त मिलेगा, टाइट एंट्री, टाइट टारगेट, टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, 1% का स्टॉप लॉस ही रखेंगे, 3% रखेंगे, और फिर क्वांटिटी भी छोटी रखेंगे, तो रिस्क तो सेम है. तो वहां ट्रेड करें जहां सुकून है, वहां ट्रेड करें जहां प्रोबेबिलिटी हाई है. व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दिस डे ट्रेडिंग? बिकॉज़ ट्रस्ट मी गाइस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वे ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट्स. इट्स नॉट दैट इजी जैसे आपको दिखाया जा रहा है और जैसे आपको दिख रहा है, इट्स नॉट दैट इजी. मेक श्योर दैट यू स्विचिंग टू अ हायर टाइम फ्रेम. मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ इस वीडियो को क्लोज करना चाहूंगी, जो मैं हमेशा देती हूँ कि मान लो यार मेरे पास कोई वीडियो गेम है, आज मैं आपको इस वीडियो गेम को देती हूँ जिसमें टोटल 10 लेवल्स हैं, ठीक है, और मैं आपको कहती हूँ क्या ये डायरेक्ट लेवल 9 पे खेल, क्या आप उस लेवल 9 को क्लियर कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे ना, जीत पाओगे उस लेवल 9 को? नहीं जीत पाओगे. क्यों? क्योंकि लेवल 9 बहुत फास्ट है, आपको लेफ्ट राइट सेंटर जंप स्लाइड बहुत फास्ट फास्ट करना होगा, राइट? और वो तभी ही क्लियर कर पाओगे लेवल 9 जब आपका लेवल 1 से लेके 8 तक आपका क्लियर है, आप उसमें मास्टर हो. तो आप सभी से ये कहना चाहते हो कि यार वो लेवल 9 है ना, वो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग है, जहां पे आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करते हो, क्या आपका लेवल 1-8 क्लियर है? नहीं ना. तो यार सही तरीके से शुरू करो, लेवल 1, 2, 3, 4, 5 आप आराम से शुरू करो. Do this business the right way. And one last message that I want to tell to all the new traders is, I know you all are here to, you know, make money in the markets, which is a great thing. But yaar, ek baar in cheezon ko seekh lo, ek baar in cheezon ko samajh lo acche se, aur seekhne samajhne ke baad bhi turant trade mat karna shuru karo. Jao, dekho isko apply karne se kya kya ho raha hai, piche bank data mein jao. Aur uske baad fir fursat se trade karo na. एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई, उसके बाद आप इसको जिंदगी भर ट्रेड कर सकते हो, जिंदगी भर. बस रिक्वेस्ट है, डोंट बी इन अ हरी टू आज सीखा कल ट्रेड किया, आज सीखा कल ट्रेड किया, पूरा भी नहीं समझा और उसके पहले ट्रेड करने की घाई ज्यादा. व्हाई? सिखाना, समझाना, अब चेक तो करो, अब समझो तो सही, एनालिसिस तो करो और फिर ट्रेड करो. कोई भी चीज सीखने के बाद, इमीडिएटली सीखने के बाद या सुनने के बाद, डोंट अप्लाई इट इमीडिएटली सर, गो एंड टेस्ट इट आउट, चेक इट आउट किस तरीके से वर्क. आप हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बिताओ स्ट्रेटजी के साथ,
उस रिस्क मैनेजमेंट के साथ। फिर जब चीजें समझ में आना शुरू हो, देन बिगिन योर जर्नी। फिर जिंदगी भर ट्रेड करना है, बट पहले अच्छे से समझ के फिर करना, वरना मार्केट में इतनी आवाज है, इतने चैनल्स, इतने लोग, इतने टाइप के ट्रेडर्स, सर गुम हो जाओगे आप, गुम हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि मैं किसकी सुनूं, किसकी नहीं सुनूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। सर इसी तरीके से ओके, आज 18 साल हो गए, शुरुआत के 7-8 साल मैं भी यही स्ट्रगल कर रही थी। कोई बोलता है ये इंडिकेटर सी, कोई बोलते वो इंडिकेटर सी, कोई सपोर्ट दे, कोई रेजिस्टेंस, कोई कप एंड एंडल, कोई बोलते ट्रेंड लाइन बना, कोई डाइवर्जेंस बना, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। जो बोल रहे थे मैं सब सीख रही थी, बट फिर भी पैसा नहीं बन रहा था। एंड जान तो पैसा कब बना, जब ये सब देखना बंद कर दिया, जिस दिन सारे इंडिकेटर्स देखने बंद कर दिए, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चैनल डाइवर्जेंस कुछ नहीं देखना बंद, जिस दिन मैं ये सारी चीजें देखना बंद कर दी, दैट वाज द टाइम व्हेन थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग। एंड सर आज जो हम ट्रेड करते हैं उसको ट्रेड करने के लिए 15 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता, सिर्फ 15 मिनट। एंड दैट्स अ एक्चुअल ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग विल नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स ऑफ योर डे। अगर 15 मिनट से ज्यादा वक्त मार्केट्स को दे रहे हो तब कुछ तो गलत है। सो जस्ट मेक श्योर दैट अगली बार जब आप जाके ट्रेड करो तो पहले समझो, सीखो, एनालिसिस करो, फिर ट्रेड करो। बस इतनी सी दुआ है कि हमने जो गलतियां की हमारे हमारी ट्रेडिंग जर्नी में, वो गलतियों को आप ना करो। अगर इफ विद दिस वीडियो इफ आई कुड सेव एनी ऑफ द न्यू ट्रेडर्स बाय गेटिंग इनटू डे ट्रेडिंग और एनी काइंड ऑफ एन शॉर्टकट टू मेक मनी, आई विल बी ग्लैड दैट आई प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। थैंक यू सो मच गाइस, विद दिस आई क्लोज टुडेस वीडियो। एंड हेलो, डू नॉट फॉरगेट to hit that subscribe button, then I will see you guys in the next video. Till then, take care and keep smiling. Yeah, and bas itna sa yaad rakhna, is trading ko business ki tarah karna, gambling ki tarah nahi. Thank you so much.